उत्तर प्रदेश के आगरा किला के बाहर भीड़ में अधजला शव बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार देर रात किसी को जिंदा जलाकर फेंका गया है। इस अधजले शव को मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी है और मौके पर पहुंची थाना रकाबगंज इलाके की पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें, मामला आगरा लाल किला के पास का है और मिली जानकारी के अनुसार बीते वर्ष भी ऐसी घटनाएँ सामने आ चुकी हैं। महेश कैसे, कौन है ये, जानते हैं आप? ऑटो चलाते हैं किराए पे ये लोग, जानते हैं इनको? हाँ जानते हैं साहब, वहाँ बालूगंज पेट्रोल पंप पे किराए पे ऑटो चलाते हैं आलम भाई का। क्या नाम है इनका? रईस। रईस कहाँ के रहने वाले? कुरेशी कहते हैं, नाई की मंडी थाना। सौ नंबर की ये एक व्यक्ति हाथ में उसकी लाश पड़ी हुई है, उसको तत्काल पुलिस मौके पहुँची है। यहाँ देखा गया तो एक व्यक्ति करीब उम्र उसकी 40 साल की होगी और वो मृत अवस्था में यहाँ पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी की तरफ आग भी किसी ने लगाई है और यहाँ से सारी कंप्लीट कार्रवाई पूरी कर करके बॉडी पकड़ने भेज दी गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पता चला ये कौन है? हाँ अभी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन हाँ जानकारी हो रही है कि यही नाइक मंडी क्षेत्र रहने वाला है और ऑटो चलाता है और मौके का मुआयना करने के बाद ये बात स्पष्ट है कि इसको कहीं से मार के गाड़ी से लेकर के लाए हैं और यहाँ पर लेकर के आग लगाई है, बाकी छानबीन की जाए। उत्तर प्रदेश के आगरा से आसिफ वारसी की रिपोर्ट।